इधर राजनांदगांव में जोगी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बिजली बिल में बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथों में चिमनी लेकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले में कार्यकर्ताओं ने कार्यपालन अभियंता को ज्ञापन सौंपा। जोगी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष शमसुल आलम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने से पहले कांग्रेस में बिजली बिल हाफ का वादा किया गया था। बीते 4 सालों में बिजली का बिल हाफ तो नहीं हुआ, लेकिन कई बार दाम जरूर बढ़ गए। हाफ लोगों का आएगा और यहाँ बिजली बिल हाफ तो नहीं आ रहा है, पूरी बिजली कई जगह से साफ हो गई है और बिजली बिल में लगातार देखी जा रही बढ़ोतरी। जैसा कि अभी मेरे साथी ने यहाँ आए हुए हैं तुमड़ी लवा गाँव से, बता रहे हैं कि अगर बिजली विभाग में मतलब गली गली में पैसा वसूला जा रहा है और आगे कहीं ढाबे वाबे हैं, कई बार फोन आते रहता है कि अगर एक दिन भी लेट हुआ तो ये लोग लाइन काट देते हैं, लेकिन बिजली बिल हाफ होने के जगह 4 गुना ज़्यादा बजाय बढ़ गई है और इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने हैं। साथ ही साथ में हम दारू की बोतल में लेकर के आए हैं, इससे ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार अपने शराबबंदी के वादे को भी ना भूले।